नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गाँव वाला ट्रेडर्स में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये हमारी क्लास रोज़ रहती है, 8:30 बजे हम गूगल मीट में जुड़ते हैं और गूगल मीट में आधे घंटे आप लोगों से बात करने के बाद वापस से मैं यूट्यूब लाइव सेशन चालू करता हूँ। और लाइव सेशन में आने के बाद जो भी सेटअप बनता है, आज का जो सेटअप बना है उस पर चर्चा करेंगे, कल क्या सेटअप बन सकता है उस पर चर्चा करेंगे। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने के बाद वापस से गूगल मीट में आते हैं ताकि आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो डाउट क्लियर हो सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सभी लोग आ जाओ, फटाफट ज्वाइन कर लो। कोई अपने ये लाइव सेशन का लिंक शेयर कर दो ग्रुप में लाइव, ताकि दूसरे लोग भी जुड़ सकें। जो लोग यहाँ पर नहीं आ पाए हैं वो लोग लिंक के थ्रू जुड़ जाएँ। शर्मा जी आ गए, राम शर्मा जी आ गए, लोकेश जी आ गए, लालदास जी महाराज आ गए, पुरुषोत्तम जी, हिमांगी दीदी आ गई। हाँ, लिंक मांग रही हैं वो पीना दीदी, तो कोई लिंक दे दीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमने गिफ्ट निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है यहाँ पे। गिफ्ट निफ्टी के चार्ट पे अभी हमारा इंडिकेशन क्या मिल रहा है कि मे बी पॉसिबल कल हमारा मार्केट डाउन साइड ओपन हो, क्योंकि आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ था और ये 9:15 यहाँ पे हो रहा है। गैप अप ओपन होने के बाद, क्योंकि मार्केट ने क्लोजिंग यहाँ पे दी है उसके अकॉर्डिंग दी थी मतलब, और यहाँ पे कल की क्लोजिंग के बाद मार्केट जो है आज गैप अप ओपन होने के बाद ऊपर ही टंगा रह गया, नीचे बिल्कुल नहीं आया। लेकिन अभी गिफ्ट निफ्टी के क्यूज़ देख के तो ये लग रहा है कि कल मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकता है। ये अगर सपोर्ट लेता भी है तो कल के लेवल से यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। एक बार गिफ्ट निफ्टी पे ही थोड़ा सा ड्राइंग करके देख लेते हैं इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस लेवल पे आ रहा है। तो पहली लाइन खींचेंगे तो हमारी पहली लाइन तो यही से खींच रही है ना। पहली लाइन हमारी यहाँ पे देख पा रहे होंगे, रेजिस्टेंस लिया था यहाँ पे, थोड़ी देर रुका था यहाँ पे, फिर थोड़ी देर रुका था। इस लेवल को ब्रेक करने के बाद इसका नेक्स्ट रहेगा वो लेवल ये होगा आपका यहाँ पे 478-500 के लेवल को ब्रेक करने के बाद। और इसको थोड़ा सा चार्ट को 15 मिनट टाइम फ्रेम में लगा लेते हैं तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में लगा लेते हैं तो थोड़ा सा चीज़ें और समझ में आएंगी अपने को, है ना। तो देखिए ये हमारा गिफ्ट निफ्टी का चार्ट है। गिफ्ट निफ्टी के चार्ट पे अभी गैप डाउन बता रहा है, देखते हैं कल क्या कंडीशन होती है। इसके नीचे आता तो बहुत ज़्यादा तो नीचे नहीं आएगा ये, इस लेवल पे छोटे छोटे जो हैं सपोर्ट मिलते जाएंगे, क्योंकि मार्केट अभी जो है अपसाइड का मूवमेंट बना चुका था, बट देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। ठीक है, तो अब चलते हैं यहाँ पे हम, कल किसकी एक्सपायरी भैया? फिन निफ्टी का एक्सपायरी है ना, तो फिन निफ्टी की एक्सपायरी का पहले देख लेते हैं। बस बाकी लोग कहाँ गए भैया? क्लास में तो बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, 15 लोग, अभी यहाँ पे तो बहुत कम लोग हैं। हम तो ऐसे थोड़े चलेगा, लाइक और कमेंट भी कम आ रहे हैं, बिल्कुल कम नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं। चलो, और जो लोग नए सब्सक्राइबर हैं हमारे, न्यू व्यूवर्स हैं, उनके लिए जानकारी दे दूं कि हमारी ये जो क्लास रहती है उसका हमारा जो गूगल मीट में लाइव सेशन चलता है उस पर भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए एक नंबर नीचे चलता दिखाई दे रहा होगा, आप देखो फ्लैश हो रहा है एक नंबर 8962425203। इस नंबर पे व्हाट्सअप करोगे, आपका नाम और जगह बताओगे, कहाँ से हो आप, वो बताने के बाद आपको हमारे लर्निंग ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। और लर्निंग ग्रुप में जुड़ने के बाद आपके डाउट डायरेक्टली हमसे गूगल मीट में जुड़ने के बाद आप लोग वहाँ पे पूछ सकते हो। और आपकी कुछ स्ट्रेटजी है, कुछ आपने सीख रखा है इधर उधर से, कहीं दूसरी जगह से, तो आप लोग वहाँ पे वो चीज़ें भी शेयर कर सकते हो। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये हमारा जो ग्रुप है पूरा लर्निंग पर्पज़ के लिए बनाया जाता है, बनाया हुआ है। और किसी भी व्यक्ति को वहाँ पे मेरे द्वारा या मेरे चैनल के द्वारा आपको कहीं भी कॉल पुट बताने का कोई भी वो नहीं मिलेगा। ये मेरा डिस्क्रिप्शन में भी मैंने डाल रखा है, मैं किसी भी लेवल पे किसी भी तरह का कॉल टिप नहीं देता हूँ। ठीक है, आप लोगों को ये ग्रुप जो मिला है, यूट्यूब चैनल भी मिला है, सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए है। जो चीज़ें मैं फॉलो करता हूँ वही चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बैंक निफ्टी का चार्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं। बैंक निफ्टी के चार्ट को हम जैसे देख पा रहे हैं
बैंक निफ्टी ने आज ये 15 मिनट टाइम फ्रेम लगा रखा है। बैंक निफ्टी कहो या निफ्टी कहो, कुछ भी कहो, ये सब एक रेंज में ही फंसे हुए थे। हमारा जो लर्निंग ग्रुप है, मॉर्निंग में मैंने वहाँ पे आप लोगों को बताया था कि ये आज ज़्यादा मूवमेंट करने वाला है नहीं। उसके दो तीन रीज़न थे। दो तीन रीज़न क्या क्या थे भैया, आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि जब मार्केट, ग्लोबल मार्केट बंद है, आधे से ज़्यादा मार्केट बंद है, और फाइनेंशियल ईयर की चेंजिंग हो रही है, मतलब आज मार्केट शुरुआत कर रहा है, तो हमारा मार्केट कैसे मूवमेंट कर सकता है। मैंने मॉर्निंग में जो आप लोगों को बताया था कि ये अच्छा, मार्केट ओपन होने के पहले ये चीज़ें आपको बता दी जाती है, या आप लोगों को यहाँ पे चार्ट शेयर कर दिया जाता है कि आप लोगों को कैसे ट्रेड करना है। एक एनालिसिस के तौर पे सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए चार्ट शेयर किया जाता है, वहाँ पे बता दिया जाता है कि आज मूवमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे कुछ बताने लायक तो है नहीं आज के मार्केट में, क्योंकि पूरा मार्केट साइडवेज था। चाहे हम निफ्टी उठा लें, चाहे बैंक निफ्टी उठा लें, कोई भी इंडेक्स उठा लें, सब एक साइडवेज रहे और एक ही रेंज पे रेंज बाउंडिंग रही है। अब जैसा कि गिफ्ट निफ्टी क्यूज हमारा बता रहा है कि ये कल मार्केट गैप डाउन ओपन होने वाला है, ठीक है ना। अब गिफ्ट निफ्टी अगर गैप डाउन ओपनिंग बता रहा है तो निफ्टी भी हमारा गैप डाउन ओपन हो सकता है, ठीक है। तो उसका जो ओपनिंग लेवल है वो कितना बता रहा है, अभी 100 पॉइंट समथिंग का। एक बार फिर से देख लेते हैं कितने पॉइंट नीचे चल रहा है ये, 516, यहाँ पे क्लोज हुआ था 613 के लगभग, यहाँ पे क्लोज हुआ था 615, मतलब लगभग 100 पॉइंट नीचे चल रहा है अभी गिफ्ट निफ्टी। तो 100 पॉइंट नीचे अगर वो गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा है, तो थोड़ा बहुत अगर करेक्शन होता भी है, तो क्लोजिंग हमारी कितने की मिली है निफ्टी की, हमारी यहाँ पे क्लोजिंग देख लेते हैं, 22,462 की क्लोजिंग बता रहा है, मतलब इस लेवल पे। तो यहाँ से 100 पॉइंट 462, तो यहाँ पे 362 पे 355, इस लेवल पे ये ओपनिंग बता रहा है, ठीक है अभी तक में। और नीचे भी जा सकता है नो डाउट, लैपटॉप हैंग कर रहा है क्या, इस लेवल पे वो बता रहा है ओपनिंग का, ठीक है ना। 63 का लेवल ये यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे ओपन हो। और अगर इस लेवल पे ओपन हो के मान लीजिए ये अपसाइड का कुछ मोमेंट करता है, यहाँ पे ओपनिंग के बाद हमें पहली और दूसरी कैंडल पे मेजर फोकस करना है, पहली कैंडल अगर स्मॉल बनती है, नोट करना ये जो पॉइंट बता रहा हूँ, नोट करके रखना, ठीक है। एक बार हमारा प्री इंडिकेटर लगा लेते हैं यहाँ पे, जो हम ज़्यादातर यूज करते हैं मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल का, यहाँ पे हमने वो इंडिकेटर लगा लिया। इसकी हम जो सेटिंग करते हैं वो सेटिंग भी कर लेते हैं, आप लोगों को ये सेटिंग भी पता चल जाएगी आज। पहले सेटिंग में जाते हैं तो इसको हम क्या कर लेते हैं, 30, है ना, इसको हम 30 कर लेते हैं। यहाँ पे SMA की जगह हम EMA कर देंगे, और यहाँ पे भी हम वापस से 30 कर देंगे। 30 करने के बाद वापस से हम चलेंगे स्टाइल पे जाएंगे, तो स्टाइल पे इसको थोड़ा सा मोटा कर लेंगे ताकि क्लियर दिखाई दे, ठीक है ना। कलर अपने हिसाब से रख लीजिएगा, मैंने अभी ब्लू रखा है। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये ब्लू लाइन हमारी जो इंडिकेट कर रही है, मतलब 30 EMA की लाइन जो इंडिकेट कर रही है, इसके आसपास ही मार्केट यहाँ पे घूम रहा है, उसके ऊपर ही क्लोजिंग दे दी है। आप गिफ्ट निफ्टी जिस हिसाब से इंडिकेट कर रहा है कि गैप डाउन ओपन होगा, तो ये हमारे 30 EMA के नीचे ओपन होगा, ध्यान रखना मैं जो बोल रहा हूँ डायरी में नोट कर लेना, इसके नीचे ओपन हो रहा है। इसका मतलब क्या है भैया, कि हमको पहली कैंडल पे नज़र बना के रखनी है। अगर पहली कैंडल छोटी बनती है, छोटी इन द सेंस कि पहली कैंडल 5 मिनट की टाइम फ्रेम में लगा के रखेंगे इसको, 5 मिनट टाइम फ्रेम में अगर हमने इसको चार्ट को लगाया, तो देखिए यहाँ पे क्या कंडीशन क्रिएट होती है, ठीक। हमने चार्ट को 15 मिनट से हटा के 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगा लिया है, और ये प्रडिक्शन हो रहा है कि यहाँ पे मार्केट ओपन होता है अगर, तो पहली 5 मिनट की कैंडल मान लीजिए डाउन साइड आती है और वो कैंडल का मोमेंट मात्र कितना, 20 पॉइंट से, ध्यान रखना इंडेक्स के कैंडल पे 20 पॉइंट से 30 पॉइंट के बीच का है। पहली 5 मिनट की कैंडल का मोमेंट अगर 20 से 30 पॉइंट का है, और अगली कैंडल अगर इसके लो पॉइंट को ब्रेक कर देती है, तो हमको एक छोटा मोमेंट मिल जाएगा, जो कि लेके जाएगा हमको कहाँ तक, 22,260, मतलब 22,266 तक के लेवल के लिए वो नीचे लाके रख सकता है, ठीक है।
22,266। याद रखना जो बता रहा हूँ, ये लेवल याद रखना है आपको बस। 22,000 क्या हो रहा है, 22,266, ठीक है। ये लेवल नोट करके रखना आपको, पहली कैंडल पे नज़र रखना है। पहली कैंडल ही अगर आपकी 50 पॉइंट की बन जाती है, कितनी भैया 50 पॉइंट की, तब आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। पहली कैंडल आपकी 50 पॉइंट की बनी या 60 पॉइंट की बनी, तब आपको ये वाला सेटअप फेल होगा, ध्यान रखना फेल हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर पहली कैंडल 15 से 20 या 20 से 30 पॉइंट की, 30 पॉइंट के अंदर अंदर की बनती है पहली कैंडल, उसके बाद इस साइड का ब्रेकआउट होता है, डाउन साइड का ब्रेकडाउन होता है, तो ये लेवल हमको देखने को मिल सकता है, ठीक है। एक छोटे टारगेट के लिए हम डाउन साइड जा सकते हैं। और अगर मान लीजिए ओपन होने के बाद कोई ग्रीन कैंडल बनाता है, ग्रीन कैंडल बनाता है, और ग्रीन कैंडल बनाने के बाद क्या करे वो, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे, या कि मान लो एक ग्रीन कैंडल बनाया, दूसरी ग्रीन कैंडल बनाया और तीसरी कैंडल भी ग्रीन बना दिया अगर यहाँ पे, और इस लेवल पे आने के बाद कुछ यहाँ रुकता है, यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनती है, यहाँ पे एक या दो छोटी छोटी रेड कैंडल बन जाए, और अगर यहाँ पे हमारा डंडा और झंडा लग जाएगा तो फिर ये अपसाइड जाने के लिए रेडी हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, अब ये जो है 360 के लेवल के आसपास अगर ओपन होता है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये रहता है कि इस लेवल पे अगर ओपनिंग होके छोटी छोटी कैंडल भी बना दिया और फिर ये जिस भी साइड ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट करेगा उस साइड हम जा सकते हैं। लेकिन पहले आपको वहाँ पे हमारा सेटअप बनता दिखाई देना चाहिए। हमारे सेटअप कौन कौन से हैं पता है आप लोगों को, डंडा झंडा डब्बा, बहुत ही आसान भाषा में बताता हूँ क्योंकि गांव वाला हूँ, गांव वाली लैंग्वेज यूज करता हूँ, मेरे को ज़्यादा इंग्लिश आती नहीं है, अंग्रेजी कभी कभी घिसता हूँ, ठीक है। तो सिंपल भाषा में समझो, डब्बा डंडा झंडा ये दो तीन चीज़ें रट लो, बस हो गया। और उसके साथ में आपको करना क्या है, बस एक ट्रेंड लाइन के सहारे आपको काम करना है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अगर हम यहाँ पे इसको ड्रॉ करने जाएं तो आज हमारा ये पूरा डब्बा ही चला है। इस डब्बे को जब तक ब्रेक, अच्छा हाँ, सुबह जो मैंने आप लोगों को बताया था, इसमें एक डब्बा बना के दिया था कि जब तक इस डब्बे को ब्रेक नहीं करता है तब तक हमको कहीं भी किसी भी साइड एंट्री नहीं मिलेगी, है ना। अब खास बात देखने वाली ये है कि अब अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है इस लेवल पे, तो हमारे लिए क्या काम करेगा भैया, आप लोगों को पता है ना, ये हमारे लिए एक पोल का काम करेगा, ये ऐसे पोल का काम करेगा। और मान लीजिए मार्केट ओपन होने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया, ऐसे ऐसे कंडीशन बनाया, और ऐसी कंडीशन बना के ये कंडीशन अगर बना दिया तो भी ये डाउन साइड इस लेवल तक जाने की क्षमता रखेगा, ठीक है ना। ये तो ऐसे पैटर्न को ध्यान रखेंगे, बस ये ध्यान रखना है फोमो एंट्री मत लेना, सेटअप बनने देना। इनसाइड कैंडल का या हमारा ये डंडा झंडा का कुछ तो पैटर्न बनेगा ही बनेगा, ठीक है। सेम टू सेम हम चलते हैं एक बार बैंक निफ्टी के चार्ट पे। इसको पहले, निफ्टी के चार्ट को पहले हम देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम में, वहाँ पे कुछ हमको क्या इंडिकेशन मिल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, वो भी हमको थोड़ा यहाँ पे पता चलेगा, है ना। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं डेली टाइम फ्रेम में, ये इसकी विक तो यहाँ तक नहीं, इसको हटा देते हैं ना, डिस्टर्ब कर रहा है। देखो इसकी विक यहाँ पे निकली हुई है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस हो गया। मतलब जिस लेवल पे कल रेजिस्टेंस लिया था, प्रीवियस डे पे जब भी मार्केट ओपन था थर्सडे को, उसी लेवल से आज भी रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है ना। क्लोजिंग यहाँ पे दे दी, लेकिन हमारा गिफ्ट निफ्टी क्या कह रहा है कि मैं इस लेवल पे ओपन होऊंगा, ठीक है ना, इस लेवल पे ओपन होने का बोल रहा है। तो ये यहाँ से यहाँ तक खींच लाने की क्षमता रखता है, जो लेवल है ये 265 तक का, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैंडल जो बनी हुई है, ये अनडिसाइडेड कैंडल बनी है, मार्केट को किसी भी साइड लेके जा सकती है। लेकिन अभी जो ज़्यादा मूवमेंट हमको समझ में आ रहा है वो कॉल साइड का नहीं आ रहा है, अब हमारा पुट साइड का ज़्यादा आ रहा है। यहाँ पे अप साइड का मूवमेंट कम और डाउन साइड का ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो लेवल है यहाँ पे, इस लाइन को अगर हम यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे तो ये जो लेवल निकल के आ रहा है, तीन बार यहाँ पे इसने क्या कर दिया है, टच कर दिया है,
है ना, तीन बार इस कैंडल में भी टच किया है, इस कैंडल में भी टच किया है, और यहाँ पे चार, और यहाँ पे तीन और चार, मतलब दो बार यहाँ पे और दो बार यहाँ पे टच कर चुका है। तो मे बी पॉसिबल ये डाउन साइड आके फिर इसको यहाँ पे ब्रेक ऐसे लेके जाए, फिर ब्रेक करे, ऐसा भी हो सकता है, देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। तो चलते हैं एक बार आपने बैंक निफ्टी के चार्ट पे, बैंक निफ्टी के चार्ट को यहाँ पे हमने डेली टाइम फ्रेम में लगाया, और डेली टाइम फ्रेम में लगाने पे हमें क्या पता चल रहा भैया कि बैंक निफ्टी ने निफ्टी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ये स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडल बनाई है, और ये हमें इंडिकेट क्या कर रहा है कि कॉल साइड का। लेकिन जब गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा है कि भैया डाउन खुलेगा, तो ये तो जाहिर सी बात है कि ये भी नीचे ही खुलेगा, है ना, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा ही। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्या कह रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है। चलो ये हमने 15 मिनट टाइम फ्रेम में लगा लिया चार्ट को। 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट ओपन डाउन होगा, तो ये भी लगभग अभी कितने में ट्रेड कर रहा है, 558, मतलब 550 के लगभग, तो ये भी कहाँ पे ओपन हो सकता है, 300 के आसपास यहाँ पे ओपन हो सकता है, 200-250 पॉइंट तो ये भी नीचे ओपन होना चाहिए। इस लेवल पे अगर ओपन होता है 300 के आसपास, तो यहाँ पे भी वही कंडीशन लग रही है हमारी, 30 EMA के नीचे ये रहेगा, और 30 EMA के नीचे आने के बाद यहाँ पे कुछ सेटअप बनाएगा, तो फिर हम डाउन साइड के लिए इस लेवल तक के लिए रेडी हो जाएंगे। ठीक है भैया, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि 47,000 पहला हमारा एक ये सपोर्ट का काम करेगा, ये पहला रहेगा आपका, इसके बाद आता है तो फिर ये 800 के लेवल पे, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे हम। ज़्यादा कुछ यहाँ पे आज बताने के लिए है नहीं, तो ज़्यादा हम लोग ज़्यादा चर्चा करेंगे नहीं यहाँ पे, ठीक है। एक बार फिन निफ्टी का भी देख लें, कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो फिन निफ्टी का देख लेते हैं। अरे निफ्टी के चार्ट को एक बार नजर मार लेते हैं, इसको पहले डेली टाइम फ्रेम में ले लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में लेने के बाद हमको पता चलेगा कि क्या करने वाला है ये। ठीक, ये हो गया, तो ये अभी अपसाइड का बनाया हुआ मोमेंट, लेकिन एक ये जो लाइन है इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही है, 200 की है ना, 200 का लेवल इसके लिए रेजिस्टेंस बना हुआ है। हालांकि ये तो ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग अपसाइड ही जा रहा है, देखते हैं क्या कहना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में चल के देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर ये गैप डाउन ओपन होता है इस लेवल पे, किस लेवल पे भैया, ये अगर 100 पॉइंट 182, तो ये भी यहाँ पे कहीं ओपन होना चाहिए, है ना। अगर यहाँ पे ओपन हो जाता है ये, तो पुट साइड वालों के लिए बल्ले बल्ले हो जाएगी, है ना, जिन्होंने BTST लिया होगा। हमको ध्यान रखना है वही जो हमने सेटअप बताया आपको निफ्टी के लिए, इस लेवल पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे कुछ सेटअप बनाए, या तो कॉल साइड का या तो पुट साइड का। जल्दी आपको एंट्री नहीं लेना है, अगर एंट्री ले लिए हैं तो आपको डाउन साइड के लिए ये लेवल रहेगा, ऊपर साइड के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। इस लेवल को जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक एक पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो लाइव सेशन बंद करते हैं, और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता हो, ये चैनल आप लोगों के लिए कहीं हेल्पफुल लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो अगर हमारे लर्निंग ग्रुप में आप लोग जुड़ना चाहते हैं, तो आप लोगों को नंबर फ्लैश होता दिखाई दे रहा है नीचे, उस नंबर में व्हाट्सएप कीजिए और लर्निंग ग्रुप में जुड़ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।